हे या गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड. प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो बिकॉज ये वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाली है कि काउंसलिंग कितने स्टेजेस पर होती है, कितने राउंड होते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए. ओके, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो काउंसलिंग होती है, चाहे वो ANM हो, GNM हो, पैरामेडिकल हो, BSc नर्सिंग हो, इन सब की 3 राउंड तक काउंसलिंग होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. और मैं यहाँ पर आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ, जो बच्चा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है वही सेकेंड और थर्ड वाली काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है. ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हम लोग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो हम सेकेंड या थर्ड की करा सकते हैं, सीधे उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट बहुत टाइम से है, तो आज मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि बच्चे जो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जरूर करानी होगी, तभी जाके आप सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे. अदरवाइज आप लोगों के लिए यहां पर क्या होने वाली है ना, प्रॉब्लम होने वाली है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो आपका डेटा होता है वो यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाता है, और जो भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है, चाहे आपका EWS हो, चाहे आपका कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, ठीक है, वो आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में लगवा लीजिए. अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में छोड़ दिया लगाना, तो फिर वो आपका सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भी वो सर्टिफिकेट नहीं लग पाएगा. इसलिए बहुत सोच समझ कर काउंसलिंग करवाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखें, डॉक्यूमेंट में अपना नाम चेक कर लें, फिर उसके बाद आप लोग काउंसलिंग क्या करें, कंडक्ट करवाएं. और मैं यहाँ पर बता दूँ, काउंसलिंग यहाँ पर तीन राउंड तक होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड तक होती है. फर्स्ट राउंड में सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सेकेंड राउंड में वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट राउंड में क्या होता है ना, जैसे कि माना मुझे हल्द्वानी कॉलेज चाहिए था और मेरी रैंक थी 180, तो मुझे बट फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिल गया पिथौरागढ़. अब मुझे चाहिए अच्छा कॉलेज, मुझे हल्द्वानी या दुमका कॉलेज चाहिए, तो मैं ऐसे क्या कर सकती हूँ ना, तो मैं ऐसे सेकेंड राउंड में भी काउंसलिंग में अपना नाम दे सकती हूँ. समझ रहे हो? फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिनको कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, वो और अच्छा कॉलेज चाहते हैं, तो वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में ईजिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फिर आती है हमारी थर्ड राउंड की काउंसलिंग. थर्ड राउंड की काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है? थर्ड राउंड में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है. कोई रैंडम बंदा निकल के नहीं आएगा कि ना 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 हम भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लें. ठीक है, ओके, तो कोई भी ऐसे रैंडम सा कोई भी बंदा नहीं आ सकता कि हमें थर्ड राउंड की काउंसलिंग करवानी है. ऐसा नहीं हो सकता. जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं वही थर्ड राउंड की काउंसलिंग करवा सकते हैं. थर्ड राउंड जो मॉपअप राउंड होता है, इसकी जो फीस होती है वो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देनी पड़ती है. जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको एक बार फीस देनी पड़ेगी, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी फ्री में होती है, उसमें कोई नहीं पैसा लगता है. बट जो थर्ड राउंड मॉपअप राउंड होता है, इसमें आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है. इसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में उन्हें कॉलेज तो मिल गया था. माना मुझे फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया था पिथौरागढ़, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई. मेरे घर में कुछ काम था, कुछ शादी थी, या फिर कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, मैंने उस कॉलेज में एडमिशन क्या करा, नहीं लिया. तो फिर ऐसे में उस टाइम पर क्या होता है कि वो कॉलेज मेरे द्वारा छूट गई है, वो कॉलेज की सीट मेरे द्वारा क्या है, छूट गई है. तो सेकेंड काउंसलिंग भी मैंने ऐसे ही करा, मुझे फिर से सीट मिली और मैं फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर पाई. तो जिन बच्चों को फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में सीट मिल गई थी और उन्होंने सीट छोड़ दिए, तो उनके द्वारा छोड़ी गई सीटें फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में क्या करती है, गवर्नमेंट उनको एक बार और मौका देती है कि अगर आप उस सीट पे जाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो क्या करती है, जो मैं आप लोगों से हर एक मैसेज में बोलती हूँ ना, कि अगर किसी स्टूडेंट के द्वारा सीट लेफ्ट करी जाती है तो वो आपको मिल जाएगी. तो मैं वो यही थर्ड राउंड मॉपअप राउंड की बात करती हूँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, काउंसलिंग करवा लेते हैं और फिर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं. उनका कहीं अच्छी जगह हो जाता है तो वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते और सीट उनके द्वारा छोड़ दी जाती है, तो वो सीट फिर आपको मिल जाती है. तो इसीलिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीट लेफ्ट कर देते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उनमें बेनिफिट हो जाता है उन बच्चों का जिनकी रैंक थोड़ी दूर है, उनको फिर वो कॉलेज मिलने के क्या रखते हैं, चांसेस रहते हैं. ठीक है ना, यहां पर मैंने आपके 2 से 3 डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि काउंसलिंग यहाँ पर 3 राउंड तक होती है. फर्स्ट काउंसलिंग में फ़ीस लगती है, 1000 से कम ही लगती है. सेकंड फ्री में होती है. थर्ड में आपको दोबारा चांस दिया जाता है, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है 500 रुपीज़. एंड देन आप लोग डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लें. एक बार फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट लग गए हैं वही सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक जाते हैं, अपडेट नहीं होते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्या करें, रेडी करके रखें. और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप
लोग सेकंड में भी कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जब तक आपको आपका मन का कॉलेज नहीं मिलता आप ट्राई कर सकते हो। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। और अगर कुछ क्वेश्चन है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, अपनी क्वेरीज क्लियर करिए और अपना ध्यान रखिए। एंड लव यू ऑल।